हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट मेथी के थेपले, जो बनाने में बहुत ही इजी है। बनाते समय मैंने किया थोड़ा सा चेंज, इससे मेथी के थेपले बने बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट। तो रेसिपी एंड तक देखते रहिए और ऐसे न्यू रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मेथी के थेपले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी मेथी ली है और थोड़ा सा धनिया यूज़ किया है। धनिया डालने से मेथी के थेपले का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। मेथी और धनिया मैंने पहले से धो के रखी थी। इसके बाद मेथी और धनिया को कट करके लेना है। धनिया और मेथी अच्छे से कट कर लिए, तो अभी एक बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी इसके बाद जाएंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च लिए हैं। उसके बाद डालना है लहसुन, 7 से 8 कलियाँ मैंने यूज़ की हैं। उसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, साथ ही साथ आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब मैंने मिक्सी जार में पीस कर लिया है और अभी इसमें मेथी में हम डाल लेंगे थोड़ा सा। पीसते समय मैंने पानी का यूज़ किया है। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच तिल। थेपले में तिल बहुत अच्छे लगते हैं और दूसरी बात, कैल्शियम की मात्रा जो है तिल में बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ डालेंगे 2 चुटकी हींग। इसके बाद आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप तीखा कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और थेपले को एकदम सॉफ्ट बनाना है तो उसके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, उसमें डालना है दही। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे दही जो है बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अगर दही खट्टा है तो कम क्वान्टिटी में आप यूज़ करें। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, जिससे थेपले जो है और भी सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर जो दही मैंने यूज़ किया है बहुत ही क्रीमी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल नहीं डाला है। अभी सभी सामग्री का हम इस तरह से मिक्स करेंगे तो सभी मसाले जो हैं अच्छे से दही और मेथी में मिक्स हो जाएंगे और मेथी को भी अच्छे से पानी भी छूटता है। ये पहले से ऐसा मिक्स करने से सभी मसालों का और सभी सामग्री का टेस्ट जो है एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो थेपले और भी स्वादिष्ट लगते हैं। आपको चाहिए तो थोड़ा सा अजवाइन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ मसाले यूज़ नहीं किए, लेकिन खाने में ये थेपले जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। यहाँ पे आप दही के बदले नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस डालने से थेपले ज़्यादा दिन खराब नहीं होते। तो आप यात्रा पे लेके जाना है आपको थेपले, तो आप उस समय नींबू के रस का इस्तेमाल करें। सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है, तो उसके बाद डालूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच गेहूँ का आटा, साथ ही में डालूंगी 2 चम्मच चना दाल का आटा। चना दाल का आटा जो है ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं डालना है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करना है। अभी आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, जो भी दही हमने डाला था उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इसमें मिक्स करेंगे और ज़रूरत लगी तो ही थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो दही से आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर सिर्फ यूज़ करूँगी। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बाद में और भी आटा लूज हो सकता है, तो ज़रूरत लगेगी वैसे ही पानी हमें ऐड करते जाना है। अभी ये बहुत ही सख्त लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम भीगने के बाद ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो आटा गूंथते समय थोड़ा सा सख्त होना ही ज़रूरी है। आटा तैयार हो गया, तो अभी इसके ऊपर मैं 1 चम्मच ऑयल डालूंगी और ऑयल से अभी ही मिक्स करके ले लूँगी। तो आटा हमारा तैयार हो गया, अभी 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रखूँगी। उसके बाद हम थेपले बनाना स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, देखो आटा भी हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, ज़्यादा है लूज भी नहीं। तो अभी थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसे मिक्स करेंगे और छोटे छोटे इसके गोले बनाएंगे। गोले बनकर रेडी है, तो अभी हम इसे ढक के रखेंगे और एक एक गोला लेके उसको सूखा आटा लगाएंगे और उसको बेलना स्टार्ट करेंगे। थेपला बिल्कुल भी जाड़ा नहीं रखना है, एकदम पतला सा बेलना है। आप देख सकते हैं आटा जो है हमारा बहुत ही परफेक्ट ऐसा बना है और ये बेलते समय भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी बेलते समय भी आटे का जो टेक्सचर है उससे ही पता चलता है कि थेपला जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। बहुत बार क्या होता है, थेपला बेलते समय ही उसको साइड से वो टूटता है, तो ऐसे थेपले हैं बनाने के बाद बहुत ही सूखे सूखे लगते हैं, तो खाने में भी ऐसे थेपले अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पर मैं सभी थेपले जो है पहले बना के रेडी कर देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आटा भी है, लगा रहता है, तो एक साथ वो चिपकते भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये थेपला जो है बन गया है। इसी प्रकार मैं सारे थेपले तैयार करके रखती हूँ।
अभी थेपले हमारे बहुत ही पतले से बेल के तैयार है, तो दूसरे साइड पे मैंने गैस पे तवा गर्म करने के लिए रखा है। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी एक एक थेपला यहाँ पे हम सेक लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई ही रखनी है, हाई फ्लेम पे ही हमें थेपले जो है सेक लेने हैं। देख सकते हैं टर्न करने के बाद ये थेपला जो है कितना अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर अभी हम डालेंगे ऑयल, फिर से टर्न कर लेंगे। यहाँ पे जो तिल डाले थे वो भी देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और थेपला सेकते समय ये अच्छे से रोस्ट भी हो जाते हैं, तो खाने में उसका टेस्ट तो बहुत ही मस्त लगता है। थेपले बनाने के लिए मैंने लोहे के तवे का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर थेपले जो है अच्छे से सेक भी जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो कोई भी तवा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो थेपला हमने अच्छे से सेक लिया, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं। तो गरम गरम थेपला खाने के लिए तैयार है। इसी प्रकार हम सभी थेपले यहाँ पे सेक लेंगे। अगर आपको थेपला सॉफ्ट चाहिए तो गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। अगर लो या मीडियम फ्लेम पे हम गैस रखते हैं तो थेपला जो है सूखा हो जाता है, इसलिए गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है। इसी प्रकार बाकी सभी थेपले हम तैयार कर लेंगे। ये बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगा। इसको हम जाम के साथ, रोटी के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। और बच्चों को देना है तो और भी यम्मी बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा चीज़ डालेंगे, उसको रोल करेंगे तो बच्चे भी बहुत प्यार से खाएंगे। इसी प्रकार हमारे सभी थेपले तैयार हो चुके हैं। ये थेपला देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। अब देख के हमें पता चलता है कि इसका सॉफ्टनेस कितना है। तो ज़रूर इस प्रकार आप घर पे तैयार करके देख लीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। थेपले की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे नए रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में बेल आइकॉन का बटन है प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, टेक केयर, बाय बाय।